नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर एनालिस्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दिल्ली एनसीआर में, खास करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कई सारे प्रोजेक्ट्स अटके पड़े हैं। आपको मैं बता दूं कि 3 लाख घर ऐसे हैं जो कि अभी अधूरे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गुजारिश करी है कि जितने भी अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं उनको NBCC को, यानी कि नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को, हैंड ओवर कर दिया जाए उसको कम्प्लीट करने के लिए। ये तो हुई आज की बात। अब हम जानते हैं कि इससे पहले की कहानी क्या है। फरवरी में RBI ने एक सर्कुलर जारी किया, उसके तहत ये कहा गया कि अगर कोई भी बैंक किसी ऐसे प्रोजेक्ट को फंडिंग करता है जिसका काम रुका हुआ है, तो वो लोन, वो अमाउंट जो है वो NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में जाना जाएगा, उसे NPA माना जाएगा। इसकी वजह से कोई भी बैंक किसी भी अधूरे प्रोजेक्ट पे जिनका काम रुका हुआ है उनमें पैसा नहीं लगा रहे। अब सवाल ये उठता है कि जब कोई बैंक भी फंडिंग नहीं कर रहा ऐसे प्रोजेक्ट्स को, और इस स्टेज पे जहां पे कि काम रुका हुआ है किसी बिल्डर का, उस स्टेज में कोई भी इन्वेस्टर भी इंट्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि उसे अपने प्रीमियम का, अपने एग्जिट रूट का कुछ पता नहीं होता कि कहीं वो भी ये सोचते हैं कि कहीं मेरे पैसे इसमें फंस ना जाए, अटक ना जाए। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये गुजारिश की है RBI से कि अपनी उस फरवरी के सर्कुलर को, अपने उस फरवरी के नोटिफिकेशन को वो रिवर्स करे और बैंक को ये अलाउ करे कि ऐसे अटके हुए प्रोजेक्ट्स में वो पैसा दे, फंडिंग करे, ताकि इन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जा सके। तो प्रॉपर एनालिस्ट का ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पहल बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी पहल है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उन्होंने NBCC को इंट्रोड्यूस किया है। और ये 3 लाख होम बायर्स जो आज इतने सालों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको उनके घर का पोजीशन बहुत ही जल्द मिलेगा।